हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत कुछ जो बची हुई हमारी जो अन्य जो रिएक्शन हैं उसके बारे में हम जो स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें मैंने आप लोगों को चार विधि आपको बताई थी, ठीक है। आज जो है हमारा जो मेथड, जो हमारा पहला मेथड आज के वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं, वो हमारा बेटा क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि याद रखना कि जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जिसको हम शॉर्टकट में बेटा क्या कहते हैं, जीआर के नाम से पुकारते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट को हम इसमें करते हैं क्या बेटा, CO2 हमारी होती है, क्या होती है, CO2 होती है, और इसके रिएक्शन से ही हम जो है क्या प्राप्त करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करते हैं, ओके। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट को जब भी कभी भी हम CO2 से जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, इस टेक्निक में हम कभी भी फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन बेटा कभी नहीं कर सकते। क्या हमारा इंपॉर्टेंट है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट को अगर हम CO2 से रिएक्शन करते हैं तो कोई भी एलिफैटिक या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन तो होगा, ठीक है ना। लेकिन हम इस मेथड से फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट में चाहे हमारा जो एल्किल ग्रुप हो, जैसा RMGX के नाम से आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, या एल्किल ग्रुप हो सकता है या कोई हमारा एरिल ग्रुप हो सकता है, तो लेकिन फार्मिक एसिड में आप जानते हैं इसमें कोई एल्किल समूह नहीं होता है, तो फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट से नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जितने प्रकार के हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, चाहे एलिफैटिक की बात करें चाहे एरोमेटिक की बात करेंगे, लगभग जो है हम इसका फॉर्मेशन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है ये जानेंगे कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है CO2 से रिएक्शन करके किस प्रकार से जो हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट ग्रुप में कोई एल्किल ग्रुप ले लीजिए, जैसे हमारे पास हो गया बेटा CH3 Mg, इसके बाद कोई एक्स ग्रुप में मान लो बेटा हमने क्या ले लिया बेटा, ब्रोमीन ले लिया, ये हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट है शॉर्टकट में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ठीक। इसके रिएक्शन सबसे पहले हम किससे करते हैं बेटा, CO2 के साथ करते हैं। CO2 का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला बेटा हमारा ये होता है, ठीक। तो इसकी जब रिएक्शन सबसे पहले होती है तो क्या होता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जो Mg होता बेटा प्लस, इस पर क्या होता है बेटा, माइनस चार्ज। कार्बन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर बेटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो CH3 पार्ट होगा वहीं अटैक करेगा CO2 पे, कार्बन पर जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि Mg अटैक करेगा कहां पर, जहां नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी वजह से कुछ हमें इस प्रकार से पिक्चर प्राप्त होगी, CH3 C, यहां पर O से हमारा आ जाएगा बेटा Mg, इसके बाद क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, और कार्बन के साथ हमारा डबल बॉन्ड क्या हो गया, ऑक्सीजन। बात समझ में आ रहा है ना, मैंने क्या कहा कि CO2 को हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके सबसे पहले कुछ इस प्रकार का इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त किए, और बाद में इसका हम लोग क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा आपका, H2O H+। तो ये बॉन्ड की ब्रेकिंग बेटा जो होती है O और कहाँ होती है बेटा, Mg के मध्य होती है। तो यहाँ पर अटैक करता है बेटा OH और यहाँ पर क्या आता है हमारा H+। तो हमारा निकल क्या जाएगा, Mg से OH निकल जाएगा, इसके बाद क्या निकल जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा। बचा हुआ जो पार्ट हमारा होगा, इसके नीचे हम लिख रहे हैं CH3 होगा, C से हमारा क्या हो जाएगा, OH, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा हमारा ऑक्सीजन। ये क्या है, CH3COOH, यानी हमारा कौन सा एसिड प्राप्त हो गया, एसिटिक एसिड प्राप्त हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, अगर इसके CO2 से रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड जैसा आप देख पा रहे होंगे बना है, बाद में इसका हम लोग क्या करते हैं, जलवटन करते हैं। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग ऑक्सीजन और Mg के मध्य होती है, तो Mg पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है और वाटर में चूंकि एक H+ दूसरा OH- होता है, तो जो Mg चूंकि प्लस चार्ज तो नेगेटिव पार्ट आएगा, OH- आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। और यहाँ चूंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये पूरा पार्ट निकल जाएगा MgOHBr, इससे कोई मतलब है नहीं, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है बेटा वो क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हम लोगों ने सबसे पहले बेटा किसका फॉर्मेशन के लिए, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड क्या है, हम जानते हैं एक प्रकार का एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब हम जो है किसी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा कि हम जानते हैं उसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड है, उसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो बेंजोइक एसिड क्या है,
कैसे फॉर्मेशन करेंगे, तो हम ले रहे हैं C6H5NgBr, ये भी आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका नाम है फेनिल, क्या नाम इसका है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक। लेकिन ये है क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है, आरएम जिक्स के समान फार्मूला दिखाई दे रहा है। रिएक्शन किससे करेंगे, सेम रिएक्शन जैसा हमने अभी पिछले अभी किया है CO2 के साथ। तो सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा फेनिल ग्रुप है नेगेटिव, इस पर क्या होगा Mg पर बेटा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होगा हमारा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पूरा पार्ट कहाँ चला जाएगा, कार्बन पर, और पूरा पार्ट चला जाएगा कहाँ पर, ऑक्सीजन पर। तो क्या मिलेगा हमारा C6H5, ठीक, C से हो जाएगा O, Mg, Br, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो क्या होगा H2O H+ के रूप में, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग दोबारा बेटा वैसे जैसे हमने भी किया है, यहाँ से होगा OH- माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा H+। तो क्या पूरा सिस्टम बनेगा हमारा C6H5COH डबल बॉन्ड बेटा क्या हो जाएगा, तो C6H5COH और प्लस क्या निकल जाएगा हमारा MgOH, इसके बाद भी यही जो हमारा प्राप्त कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई एरोमेटिक जिसका नाम है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड क्या बेटा है, एक प्रकार का हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को CO2 के साथ रिएक्शन करके, चाहे हमें एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना हो, चाहे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना होता है, तो बड़े आराम से हम जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सहारा लेकर के बड़े आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अगली जो हमारी मेथड है वो हमारा है 6th मेथड बाई डी कार्बोक्सीलेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सिलिक एसिड, ठीक, बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। तो हम इसके इस मेथड से किस प्रकार से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, जैसा कि नाम से स्पष्ट जो हमारी हेडिंग, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी हेडिंग है वो क्या बेटा लिखा गया है, बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के वी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा। ये डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जब इसको बेटा हीट कर दिया जाए, और हीट करने के बाद अगर उस रिएक्शन के दौरान बेटा हमारी CO2 गैस इवॉल्व हो रही, निकल रही है, तो ऐसी प्रक्रिया को, ऐसे फिनोमिनॉन को बेटा हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। क्या मैंने कहा कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रीट करने पर, हीट करने पर, गर्म करने पर, अगर उस समय कौन सी गैस रिमूव हो रही है, CO2 गैस रिमूव हो रही है, तो इस प्रक्रिया को, इस फिनोमिनॉन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीकार्बोक्सिलेशन हम कर रहे हैं वो हमारा क्या है, डाईकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो डाईकार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें, तो सबसे जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हमारा होता है वो होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड होता है, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड, ठीक ना। इस ऑक्सैलिक एसिड को सबसे पहले क्या करेंगे, सोडा लाइम होता है, ये हमारा बेटा क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक ना। इसको पूछते हम इसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो हमारी जो CO2 गैस अगर आप ध्यान से देखें क्या होती है, रिमूव हो जाती है। तो रिमूव होने के बाद क्या क्या बचेगा, HCOOH और प्लस कौन सी गैस रिमूव, मैंने बताया था CO2। तो कौन सा ऑक्सैलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 गैस के निकलने से हमारा कौन सा बेटा एसिड प्राप्त हो गया, फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो गया। बहुत अच्छी मेथड है, बड़े आराम से आप तैयार कर सकते हैं कि अगर कभी भी डाईकार्बोक्सिलिक एसिड को बेटा अगर आप हीट करें सोडा लाइम को पश्चिम में, तो इससे हमें जो है फार्मिक एसिड, सॉरी बेटा, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो सकता है। जैसा हमारा डाईकार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा उसी के संगत हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, ऑक्सैलिक एसिड को हीट किया, तो ऑक्सैलिक एसिड को सोडा लाइम की उपस्थिति में अगर हीट किया जाए तो इससे हमें क्या मिलेगा बेटा, फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक ने। उसी प्रकार से
अगर हम मैलोनिक एसिड की बात करें, जैसा कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम जानते हैं, CH2COOH होता है और CH2COOH होता है। CH2COOH, इसके बाद CH2 से ही फिर क्या लगा हमारा है COOH, इसका नाम हमने बताया था आपको, क्या नाम है, मैलोनिक एसिड। ओके, अब मैलोनिक एसिड को वही बात अभी मैंने बताया, सोडा लाइम NaOH प्लस क्या है CO, इसका मिक्सचर होता है सोडा लाइम का, क्या करते हैं हीट करते हैं, तो हीट करने से बेटा हमारी कौन सी गैस रिमूव हो जाएगी, CO2 गैस, चाहे ऊपर करें बेटा चाहे नीचे कहीं से भी निकालें, तो ये जो H पड़ा पार्ट बचा हुआ H है वो CH2 से जुड़ करके क्या बना लेगा CH3, और इसके बाद आगे कुछ बचा हुआ और पार्ट है क्या है COOH है, और प्लस हमारी कौन सी गैस रिमूव हो गई बेटा CO2 गैस। ये जो आपने एसिड ऑब्टेन किया मैलोनिक एसिड से, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है एसिटिक एसिड। ओके, तो हमने दो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन किया जो कि हमारे सिलेबस में भी है, एक हमने फार्मिक एसिड का फॉर्मेशन किया और दूसरा हमने किसका किया बेटा एसिटिक एसिड का किया, ठीक ना। अब जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो ऑब्टेन करने वाले हैं वो हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड का जो है, अगर हम डी कार्बोक्सिलेशन अगर किसी प्रकार से करें, तो इस प्रकार से करने से हमें कोई टेक्निक नहीं ऐसी है कि किसी भी अगर हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करें और उसके बाद अगर हम जो है उसका क्या करें डी कार्बोक्सिलेशन करें तो उसे प्राप्त करें, तो इसके लिए हमें कोई एरोमेटिक कंपाउंड लेना पड़ेगा। तो अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास, जैसे हमने पढ़ा होगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में, दैट इज थैलिक एसिड, ठीक है ना। तो एलिफैटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम बना नहीं पाएंगे, इसके लिए हमें क्या लिया, कोई एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जिसका नाम है बेटा क्या, थैलिक एसिड है। और थैलिक एसिड को हम लोगों ने क्या किया, अभी बताया सोडा लाइम का मिक्सचर होता है, क्या सूत्र है NaOH और प्लस क्या होता है CaO, और क्या कर दिया गया बेटा हीट, तो हीट करने के बाद हमारी कोई गैस निकली, क्या देख पा रहे हैं आप, CO2, और CO2 जैसे निकलेगी तो H जाकर रिंग पर चुप जाएगा, तो इसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, कहीं पर भी COOH हो बेटा रिंग में लगा हो उससे कोई मतलब नहीं है, और प्लस कौन सी गैस निकल गई, CO2 गैस। तो ये बना हमारा जो एसिड है इसका नाम है बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन पर अगर CO जुड़ा हो, कहीं पर भी जुड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा एसिड तब भी क्या कहलाएगा हमारा बेटा, बेंजोइक एसिड कहलाएगा। तो हम जो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के डी कार्बोक्सिलेशन जो मेथड है उससे हम एलिफैटिक या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके लिए हमें संगत जो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करना पड़ेगा और उसी के द्वारा हमें जो है उसी प्रकार का कोई कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो, ठीक है ना। तो ये तो रही हमारी जो है डी कार्बोक्सिलेशन आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला जो मेथड है, जो सेवेंथ मेथड है, वो है बाई एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलो एल्केन, ठीक है बेटा। ये हमारी मेथड है, इस मेथड से हम जो क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। हमारी क्या हेडिंग है, बाई एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलो एल्केन, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्राई हैलो एल्केन क्या होता है, कहने का मतलब क्या है कि अगर एक ही कार्बन परमाणु से अगर हमारे तीन हैलोजन जुड़े होते हैं, पीछे कुछ भी हो सकता है, अगर एक ही कार्बन परमाणु से अगर तीन हैलोजन जुड़े होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को बेटा हम लोग कहते हैं ट्राई हैलो, क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। यानी जो एल्केन है, अगर एल्केन का जो सबसे सिंपलिस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो वो हमारा बेटा क्या होता है, मेथेन होता है। अगर मेथेन से जो कार्बन से चार हाइड्रोजन एटम लगे होते हैं, अगर तीन हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हम
तीन हाइलोजन एटम के द्वारा करें तो प्राप्त जो हमारा कंपाउंड होगा बेटा वो क्या कहलाएगा, ट्राई हैलो एल्केन होगा बेटा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ट्राई हैलो एल्केन का जब भी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया जाता है तभी उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब किस प्रकार से करते हैं उसके बेटा हम रिएक्शन के बारे में जरा देख लें, ठीक है? जैसे हमने लिखा है एच सी, यहां पर सी एल लिखा, इसके बाद बेटा क्या सी एल लिखा, यानी एक ही कार्बन परमाणु से अगर तीन हाइलोजन जुड़े होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को बेटा हम ट्राई हाइलोजन, यहां पर जो हाइलोजन के रूप में यूज किया जा रहा है वो बेटा हमारा क्या है, क्लोरीन है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो। एक कार्बन है तो एल्केन के रूप में बेटा क्या हो जाएगा, मीथेन। और चूंकि ये जो फार्मूला लिखा गया जनरलिस, अगर आप बात करें अच्छी तरीके से तो ये हमारा क्लोरोफार्म लिखा गया है। क्या लिखा गया है, क्लोरोफार्म लिखा गया है। बात समझ में आ रहा है बेटा? तो ये हमने किसका जो फार्मूला लिखा है ट्राई हैलोएल्केन के अंदर किसका एग्जाम्पल लिखा है, क्लोरोफार्म यानी ट्राई क्लोरोमेथेन लिखा है, ठीक है? इसको हम जो है आईपीसी नाम के तहत बेटा इसको 111 यानी पहले कार्बन से ही तीन क्लोरीन जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, वन कितनी बार, थ्री टाइप्स है, तो 111 ट्राई क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं, ठीक है? तो हमारी चूंकि जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो हम इसी के द्वारा बेटा सबसे पहला कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहेंगे। तो हमने पहला एग्जाम्पल लिया क्या है, ट्राई क्लोरोमेथेन से। तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, कोई हम क्षार लेंगे, जैसे हमने ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चूंकि क्लोरीन की संख्या अगर आप देख पा रहे हैं कितना है, तीन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की संख्या कितनी बार ले लें बेटा हम, थ्री टाइम्स। तो ये तीन सोडियम जो है तीन क्लोरीन को लेकर के अलग हो जाएगा, यानी थ्री एनएसीएल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बचा हुआ तीनों OH बेटा उसी कार्बन से जाकर लिंक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, HCOH, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा OH। अब आप जानते हैं कि अगर एक ही कार्बन परमाणु से तीन OH जुड़े होते हैं या दो OH जुड़े होते हैं तो ऐसा कंपाउंड अनस्टेबल माना जाता है, क्या माना जाता है, अनस्टेबल। और तुरंत वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा क्या करता है, लॉस करता है। और जैसे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा तो क्या मिलेगा, HCOOH। तो हम यहां पर लिख रहे हैं HCOOH, दैट इज फार्मिक एसिड, ठीक है ना? तो क्लोरोफार्म का अगर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करें, चूंकि क्लोरोफार्म प्रकार क्या है, ट्राई हैलो एल्केन है, इसका जब भी हम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इससे जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा होता है बेटा है वो हमारा क्या है, फार्मिक एसिड है, ठीक है ना? इसी प्रकार से अगर हम कोई और एग्जाम्पल बात करें, जैसे हमने लिख लिया CH3, सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है CH3, यहाँ पर बेटा कार्बन Cl, फिर क्या है Cl, इसका नाम क्या होगा, 111 ट्राई क्लोरोएथेन। कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 2 का मतलब कितना कार्बन के हिसाब से क्या लिखा जाएगा, एथेन। और ये चूंकि एक प्रकार का क्या है, ट्राई हैलो एल्केन है, वही बात, कितने मोल्स, 3NaOH, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं हम, ओके। तो क्या होगा, यहां से तीन सोडियम तीन क्लोरीन को लेकर बेटा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो 3 क्या निकल जाएगा, NaCl, ओके। बचा हुआ तीनों OH उसी कार्बन से जाकर के बेटा लिंक करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3, फिर कार्बन OH, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा OH। आप जानते हैं अगर एक कार्बन परमाणु से दो या दो से अधिक OH जुड़े होते हैं तो ऐसा कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और तुरंत वो जो है क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल लॉस करता है। तो इसकी वजह से क्या मिलेगा, CH3COOH, तो हो जाएगा CH3COOH और प्लस निकल जाएगा हमारा H2O, दैट इज एसिटिक एसिड, ठीक है? तो हमने 11 ट्राई क्लोरोएथेन, चूंकि एक प्रकार का ट्राई हैलो एल्केन है, जब इसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो प्राप्त हुआ बेटा वो हमारा क्या है, एसिटिक एसिड है। बात समझ में आ रहा ना? अब हम चूंकि अभी तक एलिफैटिक बनाए हैं, अब हम जो है क्या बनाएंगे, कोई एरोमेटिक, चूंकि हमारा क्या है एरोमेटिक कंपाउंड, वो हमारा है बेंजोइक एसिड है, तो हम उसको भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के तहत पढ़ लेते हैं। क्या होगा, यहां पर कोई
फेनिल ग्रुप होगा C6H5, फिर कार्बन से क्या हो जाएगा Cl, इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा Cl, तो क्या नाम होगा 111 यानी ट्राई क्लोरो, ठीक है ना, ट्राई क्लोरो, या इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं फेनिल ट्राई क्लोरोमेथेन, ये बेटा इसका नाम होगा। इतना पार्ट जो है वो फेनिल के नाम से जाना गया, ठीक है। ट्राइक्लोरो का मतलब कितने क्लोरीन कार्बन लगे, तीन ट्राइक्लोरो और एक कार्बन के लिए बेटा हमने क्या लिखा है मेथेन लिया है। वही बात, कितना 3NaOH सबसे पहले करेंगे तो क्या निकलेगा 3NaCl निकलेगा, बचा हुआ 3OH उसी कार्बन से जाकर लिंक करेंगे तो हो जाएगा C6H5, फिर कार्बन से कितना OH 3OH। अब आप जानते हैं कार्बन से अगर 3OH होता है या 2OH होता है तो ऐसा कंपाउंड हमेशा क्या माना जाता है अनस्टेबल, और तुरंत वो क्या लॉस करता है बेटा हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा लॉस करेगा, तो क्या बचेगा हमारा C6H5COOH, तो हो जाएगा C6H5COOH और प्लस क्या निकल जाएगा हमारा H2O, जो बना हुआ हमारा एसिड है इसका नाम है बेंजोइक एसिड है बेटा, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है लगभग 7 मेथड जो है कल से लेकर आज तक जो वीडियो बना है कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है लगभग बेटा उसके बारे में स्टडी किया, ठीक है ना। तो हम लोग आज के वीडियो में बस इतना ही स्टडी करेंगे, तब तक के लिए बेटा थैंक्स, धन्यवाद।